तो ये जबरदस्त है, जबरदस्त है सच में। क्या नाम है आपका? गुलाम करके। ये अभी सीजन कब शुरू होगा इसका? इसका यात्रा आ जाएगी तब। आप देख रहे हैं ये वाली जो पूरा, तो यहाँ ये बर्फ है जमीन में, और जहाँ जहाँ से ये बर्फ मेल्ट हो रही है जो यहाँ पर सबसे कम हो रही है, तो इसका ये पानी इस तरीके से नदी बन गई, और आगे जाके राफ्टिंग भी इसी पानी से कराई जाती है। वहाँ डिफिकल्टी लेवल काफ़ी अच्छा है, और ये चारों ओर से पहाड़ और इसके बीच में से बेसिकली आप पहलगाम आ जाते हैं, तो वहाँ से फिर आपको बेताब वैली और ये चंदनवाड़ी, ये दो इलाके बहुत ही खूबसूरत जगह पर लोग यहाँ पर सैलानी बहुत आते हैं। देखिए इस बार हम कोलकाता और गुजरात महाराष्ट्र और आसपास के हम यहाँ के लोकल भी हैं, ऐसी बहुत ब्यूटी जो हमने रास्ते में गाड़ियों की जो ट्रैफिक चेक की तो उसी का नतीजा। का ग्रुप होता है, गाड़ी होती है ना, हाँ, हाँ। तो बुलाते हैं गाड़ी वाले को जाते। अच्छा, आपका नाम क्या है? है? आपका नाम क्या है? शकील अहमद। तो यहाँ पर काफी लोगों को से करवाते हैं, मतलब आते हैं। मेरा नाम अर्शिद अहमद। क्या क्या करते हैं अर्शिद? हम लोग यहाँ पे स्लेट चलवाते हैं 4-5 महीने, हाँ। और एक महीने अमरनाथ जाते हैं, हाँ। अमरनाथ में हम लोग घोड़ा चलाते हैं, टेंट लगाते हैं वहाँ पे, हाँ। तो यात्री को लेना लाना का हमारी जिम्मेवारी रहता है। फिर कितने बार एक सपोज यात्री को लेके जा रहे हैं, तो हाँ, कितने एक दिन में कितने को लेके जाते हैं? या नहीं, एक वो तो 64 किलोमीटर है अप एंड डाउन के लिए, तो 3 दिन या 2 दिन लगेगा। अगर मौसम ठीक रहेगा तो 2 दिन में हो जाएगा, अगर मौसम गड़बड़ रहेगा थोड़ा तो 3 दिन लगता है आने जाने में। और आपका नाम क्या है? मेरा नाम मुदेश्वर। मुकेश मुदेश्वर। मुदेश्वर एक बात बताओ कि कौन सी उम्र में यहाँ पर शुरू करते हैं, कितने यहाँ के लोग लाइसेंस? मैंने कम से कम 12 साल से यहाँ पे। कैसे मतलब छोटे 15-12 साल में काम करना शुरू कर रहे हैं? क्योंकि हमारा तो हैबिट है ना, हमारा यहाँ पे दूसरा कोई साधन नहीं है, इसलिए वाले टूरिस्ट के ऊपर घोड़े चलाते हैं, गाड़ी चलाते हैं। अभी एक बस ऐसा सवाल पूछना है कि यहाँ पर जो सेंसिटिव हो जाता है माहौल, तो आपके रोजी पर असर? हाँ पड़ता है ना, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा थोड़ा सा पड़ता है, क्योंकि हमारा डिपेंड रहता है सिर्फ टूरिज्म के ऊपर। जैसे जितना टूरिस्ट आएगा तो हमारे लिए डर जाता है ना, हाँ। नहीं, टूरिस्ट डरता है, लेकिन जो जो आता है वो देखता है इधर का हालात, तो फिर अच्छा रहता है, क्योंकि हम लोग टूरिस्ट को वेलकम करते हैं। नहीं नहीं, बहुत ही अच्छा वेलकम करते हैं, हमने देखा है, कैसे टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं। अच्छा लगा आप लोगों से। Okay.
घास और खाना और बाकी की चीज़ें यहाँ पर लाके स्टोर करते हैं। ये जो पत्थर का आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये वाला यहाँ पर इन्होंने घर बनाया है, इनके छोटा सा कैंप टाइप का होता है। और आप जो घास धो रहे तो देखिए यहाँ ही इस जो ब्लू कलर की हट दिख रही है इसके पीछे, तो ये तमाम वो घोड़े वालों का यहाँ कैंप है। और यहाँ से करीब 8 किलोमीटर के ही इलाकों में ये रहते हैं आसपास के गाँव में।